डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है अपवर्तनांक की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता। हेडिंग डालो अपवर्तनांक की प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भरता कैसे डिपेंडेंस रहता है। तो आज हमें यही सीखना है बच्चों। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बड़ा कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा है ये टॉपिक। अब बच्चों ये बताओ, ये एक हमारे सामने मीडियम है, ये माध्यम नंबर वन इसको बोला मैंने, और ये माध्यम नंबर टू यानी मीडियम नंबर टू, और इसको मैंने बोला ये मान लो हवा है, और ये मैंने बोला कांच है। ठीक है बच्चों, अब मैं बोलूँ अगर मैं प्रकाश का जो मतलब अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। और आज हम ये भी सीखेंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। कैसे करता है? जैसे मैं बोलूँ वन एंड टू, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, माध्यम वन का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, वन एंड टू का मतलब क्या हो गया? वन एंड टू का मतलब हो गया माध्यम वन का माध्यम दो के सापेक्ष अपवर्तनांक। बस मैं एक मिनट इंक लेता हूँ। ठीक है, वन एंड टू इसको मैं कैसे बोलूँगा? मैंने बताया था आपको वी वन अपॉन वी टू, यानी यहाँ पर कितनी स्पीड है और यहाँ पर कितनी स्पीड है। ये तो था रे ऑप्टिक्स में। आज वेव ऑप्टिक्स की बात कर दें बच्चों। एक बात बता दूँ, जब मैं प्रकाश की किरण जब किसी माध्यम से गुजरती है, किसी भी माध्यम से गुजरे, उसकी तरंग दैर्ध्य तो बदल जाएगी लेकिन उसकी आवृत्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो उसकी फ्रिक्वेंसी है, मतलब एक टाइम पीरियड में कितना वो घूमी है, वो चीज़ है ना, फ्रिक्वेंसी कितनी है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये है, आपने सूत्र पढ़ा होगा 11th क्लास में, वी इज इक्वल टू न्यू इन टू लेमडा, यानी ये तो होता है वेवलेंथ, इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ तरंग दैर्ध्य, और ये चीज़ आपकी होती है आवृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति तो सेम रहती है लेकिन तरंग दैर्ध्य बदल जाती है। अब यहाँ से देखिए, वी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा? न्यू इन टू लेमडा वन, और वी टू के लिए न्यू इन टू लेमडा टू। तो मैं वन एंड टू को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? वन एंड टू को मुझे लिखने का तरीका मैं बताऊँ आप लोगों को, तो वन एंड टू इज इक्वल टू, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू न्यू इन टू लेमडा वन अपॉन न्यू इन टू लेमडा टू। यहाँ से न्यू कैंसिल आउट होगा। तो बच्चों आप लोग ये बोल सकते हैं जो वन एंड टू इज इक्वल टू है लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। तो वी वन अपॉन वी टू अब तक पढ़ा, आज आपने लेमडा वन अपॉन लेमडा टू भी पढ़ लिया, यानी प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो बच्चों तरंग दैर्ध्य पर भी निर्भर करता है। ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आते रहते हैं जिसको आपको करना होगा। अब मान लो आपसे पहला माध्यम बोल दिया उसने हवा है, मान लीजिए अब यहाँ पर हवा दिखाई दे रही है, तो मैं लेमडा, तो इसको डायरेक्ट मैं एन बोल सकता हूँ क्योंकि हवा से आ रही है, हवा का निकालना है, तो एन इज इक्वल टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू। क्या मैं बोल सकता हूँ एन इज इक्वल टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू? अब मुझे इस माध्यम में पूछा है, मान लो यहाँ की मुझे तरंग दैर्ध्य पड़ता है, तो यहाँ से मैं लेमडा टू भी निकाल सकता हूँ लेमडा वन अपॉन एन। ठीक है, तो ये बच्चों आज का डेरिवेशन था। आप लोग मेहनत कीजिएगा, आप लोगों के स्कूल भी जल्दी ओपन होने वाले हैं, और मेहनत कीजिएगा और अच्छे पोटेंशियल के साथ आइएगा। थैंक यू वेरी मच।